आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चंडीगढ़ रैली पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। रैली खत्म होते ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि मोदी की रैली ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। पीएम ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह से माफी मांगे, रैली की वजह से नहीं हो सका उनका दाह संस्कार और पूरा शहर बंधक बन गया था। रैली के लिए चंडीगढ़ को बंधक बनाया गया, सुरक्षा के नाम पर पूरे चंडीगढ़ शहर को जाम कर दिया गया। ये कांग्रेस ने पलटवार किया है। रैली के लिए स्कूल बंद कराने को भी गलत बताया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सत्ता का दुरुपयोग किया, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। रैली का खर्च चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड पर डाला गया है, तो कांग्रेस ने एक के बाद एक कई सारे आरोप लगा दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। संस्कार की अनुमति चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में नहीं मिली और मजबूरन उस लाचार सैनिक को और उसके दुखद परिवार जनों को, उस नौजवान बच्चे का दाह संस्कार आज 2:30 बजे के बाद पड़ोस में मनी माजरा जाकर करने पड़ने को वो मजबूर हुए हैं। हम चंडीगढ़ प्रशासन और भाजपा के लिए इससे शर्मनाक उदाहरण नहीं हो सकता। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि वो बगैर देर और बगैर शर्त ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह और उनके सारे दुखी परिवार से फौरी तौर से माफी मांगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में 187 स्कूल हैं, 187 के 187 स्कूल पर लिखित आदेश जारी कर उनको बंद कर दिया गया। बच्चों के एग्जामिनेशन, उनके पेपर कैंसिल कर दिए गए। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा स्कूल की सारी बसों को इम्पाउंड कर लिया गया। क्या यही अच्छे दिन हैं? सच बात यह है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए प्रधानमंत्री का दौरा एक दुखद स्वप्न साबित हुआ। आज प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी वो एक राजनीतिक रैली थी, भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, परंतु उसका सारा खर्चा आम साधारण फ्लैट धारकों के द्वारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दिया गया। सत्ता के दुरुपयोग का प्रधानमंत्री के द्वारा इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और इसीलिए किसी दोस्त ने कहा भी कि माल किसी का और कमाल किसी का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबित करके दिखाया। पूरा खर्चा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड देगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन निमंत्रण देगा और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रैली करेंगे। कांग्रेस का यह आरोप, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा एक दुखद स्वप्न जैसा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ रैली में कांग्रेस पर करारा जमकर हमला किया। मॉनसून सत्र बर्बाद होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 लोगों की पार्टी देश के विकास के खिलाफ साजिश कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी। मोदी चंडीगढ़ में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद इस रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण देश की संसद को बांध में रखे, देश की संसद को चलने न दे। भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लोकतंत्र की मर्यादाओं को स्वीकार न करना, लोकतंत्र के नियमों का स्वीकार नहीं करना और 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे, ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। मेरे भाइयों बहनों, जब हमने सुना कि पुरानी सरकार ने 500 करोड़ का ओआरओपी घोषित किया है, तो हमें लगता था कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 500 करोड़ में तो होगा नहीं। लेकिन जब हम हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10,000 करोड़ तक पहुंचने पर गया है। 10,000 करोड़ तक भारत जैसे देश के लिए ये रकम छोटी नहीं है, लेकिन
देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों की जिंदगी इससे ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोगों को आंदोलन करने की बीमारी जाती नहीं है, अभी भी उनके अंदर सुगबुगाहट चलती है। उनको लगता था कि मामला इतना गंभीर है कि 5-7 साल तक उनकी गाड़ी चल जाएगी। उनके सोचा नहीं था कि मोदी ऐसे कर भी दे देगा। अब उनको लगता है कि कर दिया तो अब हमारी गाड़ी कैसे चलाएं।